हेलो दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी। मेरे सेल में अब सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले मीशो, जो फ़ोन पे एक ऐप आता है, वहाँ से कुछ चीज़ें अपने फैमिली के लिए मंगाया है। मैंने कुछ क्लॉथ्स भी मंगाया था, पर वो क्लॉथ का जो हॉल है वो बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपसे वही चीज़ें शेयर करूंगी जो कि मेरी फैमिली के पर्पस में, जो कि कुकिंग वगैरह में हेल्पफुल रहता है। तो वो कुछ 3 से 4 चीज़ें मैंने मंगाया है। मैंने इससे पहले भी अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए एक टेबल जो है वहाँ से मंगाया था। ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर है और ना ही ये वीडियो कोलैबोरेशन का है। मैंने खुद मीशो से जो जो चीज़ें परचेस किया है अपने पैसों से ही परचेस किया है। और क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा मालूम पड़ जाए कि अगर ये चीज़ आपके किचन में भी होगा तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। और हो सकता है ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद है, मैं ही लास्ट हूँ जो ये चीज़ें परचेस किया है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और घर गृहस्थी का अगर कुछ इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख डालिएगा। पर बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो, एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मैटर करता है। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मीशो से ये जो पढ़ाई का स्टडी टेबल है, ये भी मैंने अपनी बेटी के लिए परचेस किया है। ये जब मैं परचेस कर रही थी तो डिफरेंट डिफरेंट सेलर के पास ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में अवेलेबल था। तो मैंने सारा सेलर का जो रिव्यू था, जो जो सेलर जिसका रिव्यू था वो चेक किया, जिसका रेटिंग 4.1 या फिर उससे ज़्यादा था और प्राइस भी मेरे बजट के अंदर था, वही सेलर से ये प्रोडक्ट जो है परचेस किया है। ये अंडर 600 है, 580 या फिर 590 इसका 90 इसका प्राइस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में आप अगर चाहें तो बच्चे की जो पेंसिल बॉक्स वगैरह रख सकते हैं, दूसरे सेक्शन में आप अगर चाहें तो थोड़ा बहुत जो कॉपी बुक्स आता है वो रख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक सेपरेट सा चेम्बर दिया गया है। यहाँ पर मैं मेरी बेटी की बुक्स वगैरह रखती हूँ। मेरी बेटी को ये बहुत प्यारी लगी थी, मुझे भी इसका कलर बहुत ही लवली लगता है। इसका कलर जो है ब्राइट पिंक है और वहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है बच्चे लोगों की जो कार्टून होता है ना, पेप्पा पिक जॉर्ज, वो भी क्राफ्ट किया गया है। बहुत प्यारा सा एक कार्टून है। मेरी बेटी यहाँ पे पेंसिल वगैरह जो है रखती है। एक्चुअली वो जब लिखते बैठती है ना तो पेंसिल रबर हर वक्त उसके गुम हो जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पे इसको वो स्टोर कर सकती है। ये बहुत ही एक स्टेडी मटेरियल से बनाया गया है, प्लास्टिक का है पर कमज़ोर प्लास्टिक नहीं है, बहुत अच्छा प्लास्टिक है और बहुत लाइट वेट है। तो इसको कभी मैं इधर कभी मैं उधर ईजिली मूव करा सकती हूँ। हॉल जो है मेरा हाउस होल्ड रिलेटेड चीज़ों से ही है। मैंने अपने किचन के लिए कुछ चीज़ें मंगाया था, वही मैं दिखाऊंगी। का ये है ऐप, मैंने इसको ओपन कर लिया है। आप अगर चाहे तो मीशो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये है, आप देख सकते हैं, मल्टी ब्लेड कटिंग नाइफ। इसका प्राइस जो पड़ा था मुझे 95। ये है ये चीज़। ये है नेटवर्क का किचन वेयर नेगी कटर। आप देख सकते हैं दो वैरायटी कलर था, एक था ब्लू कलर और एक था पिंक कलर। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये डबल मोल्ड है या जो ब्लेड है ये 5.5 ब्लेड है। मैंने इसको ओपन किया था और तब मैंने देखा कि मेरे पास ना ही पिंक आया है ना ही ब्लू आया है, मेरे ने एक रेड वाला जो नाइफ था वो रिसीव किया है। खैर जाने दीजिए, कलर तो पिंक नहीं आया, रेड भी वैसे बुरा नहीं है। इस तरह से एक कैप भी है, अच्छा ही है। अगर मैं इसको किचन में ऐसे ही खुला छोड़ दूँ तो यहाँ पे किसी भी तरह का मच्छर वगैरह या फिर किसी भी तरह का कॉकरोच वगैरह से ये इन्फेक्टेड नहीं होगा, हाइजीन मेंटेन रहेगा। आप देख सकते हैं ये ब्लेड बहुत ही बढ़िया है, 1 2 3 4 5 छः ब्लेड्स यहाँ पे दिया गया है। तो अब तो इससे किसी भी तरह का सब्जी वगैरह को काटना बहुत ईजी हो गया है, बहुत आसानी से मैं इसको काट सकती हूँ। यहाँ पर मैं उंगली को रख कर के बहुत आसानी से कट सकती हूँ। किसी भी तरह का वेजिटेबल्स कटिंग प्रोसेस अब बहुत आसान हो गया है। और इसको यहाँ पे जो एक होल दिया गया है, इसको मैं अच्छी तरह से किसी भी तरह से इसको हैंग भी करके रख सकती हूँ। मैंने ये चीज़ जो है मीशो से ऑर्डर किया है। मैं अब फिर से बता दे रही हूँ कि मुझे ये वीडियो करने के लिए किसी भी तरह का
पैसा नहीं दिया गया है या फिर किसी भी तरह का रिक्वेस्ट भी नहीं किया गया है, मैंने ये प्रोडक्ट अपने पैसे से ही परचेस किया है। यहाँ पे लिखा गया है कि इसका प्राइस जो है 169, पर मैंने ये प्रोडक्ट जो है 95 रुपया से ख़रीदा है। फिर मैंने मीशो से इस तरह का एक बड़ा सा बोल जो है मैंने ये परचेस किया है। ये आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा होल जो है क्रिएट किया गया है, आप देख सकते हैं। कभी कभी होता है ना, चावल वगैरह या फिर चाउमीन वगैरह, हम लोग जब घर पे मैगी वगैरह बनाते हैं तो दाल चावल इस तरह से जब हम लोग धोते हैं तो कुछ कुछ सामान, कुछ कुछ चीज़ें जो है बाहर आ ही जाता है, खास करके चावल या फिर दाल वगैरह जो है वो हम लोगों के हाथ में आ जाता है या फिर बेसिन में पड़ जाता है या फिर सिंक में पड़ जाता है। पर अब हम लोग इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह या फिर चावल या फिर नूडल्स अच्छी तरह से धो सकते हैं, क्योंकि पानी जो है ये अंदर से इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा और पूरा का पूरा चीज़ जो है इसके अंदर इजीली सेव हो जाएगा। इसको भी हम लोग इजीली होल दिया गया है, तो होल की मदद से हम लोग इसको भी अच्छी तरह से स्टैंड करके रख सकते हैं कहीं पर भी। तीसरे चीज़ जो है वो बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं कितना आसान सा नहीं, एक्चुअली इससे मेरी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो गया है। बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। मैं ना पहले बार यहाँ से इसको ओपन करने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ से नहीं, ये यहाँ से ओपन होगा। अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगी तो ये ओपन हो रहा है, बहुत आसानी से ओपन हो रहा है। इसके अंदर इस तरह का एक स्पून भी है, आप अगर चाहे तो इसके अंदर 3 तरह के अचार जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे जो किचन के लिए जो थोड़ा बहुत मुझे मसाला वगैरह करना पड़ता है ना, जैसे कि लहसुन, प्याज, जिंजर, ये जो पेस्ट जो है इन तीनों डिब्बे में मैं एक तरह अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकती हूँ। और इस तरह का एक स्पून भी इसके साथ दिया गया है, मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट है, कलर भी बहुत ही क्यूट है। ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, आप अगर चाहें तो मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। लास्ट वाला जो प्रोडक्ट मैंने अपने किचन के लिए मंगाया है, एक्चुअली ये किचन के लिए नहीं है, ये है एक क्लीनिंग पर्पज़ का एक ग्लव्स। इन दिनों ये बहुत ही काम आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के मौसम में बाहर तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो घर का सारा काम हम लोगों को ही करना पड़ता है। तो इस तरह का ग्लव्स अगर हम लोगों के पास रहेगा तो हम लोगों को क्लीनिंग वगैरह में बहुत ही आसान से क्लीन हो जाएगा, बहुत ही सुविधा होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का छोटे छोटे जो है ब्रश दिया गया है, ये टोटली सिलिकॉन से तैयार किया गया है। यहाँ पे ना बहुत अच्छा अच्छा सब कलर था, लाल, रेड कलर था, पिंक कलर था, ब्लू कलर था, पर मैंने ये ग्रीन वाला ही रिसीव किया है। खैर छोड़ो, मैंने 3 प्रोडक्ट जो है यही ग्रीन में रिसीव किया है, ये भी ग्रीन में रिसीव किया था। हाथों में इसको इस तरह से पहन के मैं आसानी से बेसिन वगैरह या फिर बाथरूम का जो वॉल होता है ना उसको अच्छी तरह से मैं क्लीन कर सकती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा डिटर्जेंट या फिर लिक्विड जो सोप होता है उसको मैं ले करके बेसिन्स को अच्छी तरह से क्लियर कर सकती हूँ। तो दोस्तों यही जो प्रोडक्ट है मैंने ख़रीदा है, इसका प्राइस भी लगभग मैं देख के बता देती हूँ इसका प्राइस कितना पड़ा था। हाँ, इसका इसको लिए इसके लिए मैंने पे किया था 131, नाइफ के लिए पे किया था 95, और इस ग्लव्स के लिए मैंने पे किया था 282। बहुत ही एक प्यारा सा प्रोडक्ट है। मुझे ये सारा का सारा चीज़ें जो मीशो से ख़रीद के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी बताइएगा कि आपको इस तरह का हॉल देखना पसंद आ रहा है या फिर नहीं। आप क्या कुछ चीज़ें अपने परिवार के लिए, अपनी किचन के लिए ख़रीदा है तो प्लीज़ वो भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों कैसा रहा मेरा आज का हॉल वीडियो, आशा करती हूँ आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और भर भर के शेयर भी कीजिएगा। बहुत जल्दी आप लोगों के पास वापस आती हूँ, तब तक प्लीज़ मुझे मेरी अदर सोशल साइट्स जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि फेसबुक, वहाँ पर फॉलो करने मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।